नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है फलाहारी कच्चे केले के कोफ्ते। इसके लिए जो कोफ्तों को बनाने के लिए सामग्री हमें चाहिए वो इस प्रकार है। कच्चे केले आधा किलो, कूटू का आटा या सिंघाड़े का आटा 4 बड़े चम्मच, घर का बनाया हुआ पनीर या छेना आधा कप, बादाम कटे हुए 1 बड़ा चम्मच, काजू कटे हुए 1 बड़ा चम्मच, सेंधा नमक 1 छोटा चम्मच या स्वादानुसार, काली मिर्च कुटी हुई 1/2 छोटा चम्मच, धनिया पत्ती कटी हुई 2 बड़े चम्मच यदि आप व्रत में खाते हों तो, हरी मिर्च कटी हुई 1 छोटा चम्मच या स्वादानुसार, नींबू 1। कोफ्तों को तलने के लिए मूंगफली का तेल। और अब इन कोफ्तों को बनाने की विधि जान लेते हैं। पहले केले के दोनों तरफ से डंठल हटाकर इनको छील लीजिए। पतला पतला छीलना है हमें। हम इसको पतला पतला इसलिए छील रहे हैं क्योंकि हम जो इसके बाद जो छिलका बचेगा उसको उबालने के बाद उसकी भी सब्जी बना सकते हैं। यदि आपको छिलकों की सब्जी नहीं बनानी हो तो आप इसको मोटा भी छील सकते हैं। वैसे छिलकों की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है। इससे अगले वीडियो में मैं छिलकों की सब्जी के बारे में बात करूंगी। इसी प्रकार हम सारे केले अपने छील लेंगे डंठल दोनों तरफ से हटा के, और हल्का हल्का इनका छिलका ऊपर का उतार लेना है जो कि ख़राब होता है। इसके बाद इन केलों को कुकर में डालकर थोड़ा पानी डालकर उबाल लेंगे 2 सीटी आने तक। उबलने के बाद केलों को निकाल लेंगे एक थाली में, ठंडा होने देंगे। जब केले ठंडे हो जाएंगे तो उबले हुए केलों को छील लेंगे और इन छिलकों की हम सब्जी बनाएंगे बाद में। कच्चा केला वजन घटाने में भी मददगार है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं जो अनावश्यक फैट सेल्स और अशुद्धियों को साफ करने में मददगार होते हैं। केलों को छील लेने के बाद इन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे। हमें इनको एकदम पेस्ट जैसा बनाना है तो इसलिए हम एकदम कद्दूकस कर लेंगे ताकि कोई गुठली गांठ सी ना रह जाए, इसमें मोटा टुकड़ा ना रह जाए, तो इसलिए हमने इसको कद्दूकस कर लिया है। बहुत आसानी से कद्दूकस हो जाएगा उबला हुआ केला। कच्चे केले में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है और साथ ही ये मूड स्विंग की समस्या में भी फायदेमंद है। इसके बाद इस केले में हम 1/2 छोटा चम्मच सेंधा नमक, 1/2 छोटा चम्मच कूटी हुई काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती डाल देंगे। हमने 2 चम्मच ली थी, इसमें हम 1 चम्मच ही डाल रहे हैं। और इसको बांधने के लिए हम 4 बड़े चम्मच या तो कूटू का आटा या सिंघाड़े का आटा, जो आपको पसंद हो, जो आपके पास हो, वो डाल लीजिए। अब इस सारे मिश्रण को बहुत अच्छे से मिला लीजिए। एक आटे की तरह गूंथ जाएगा ये, तो इसको हमें गूंथ लेना है आटे की तरह। ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत आराम से ही मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि सब कुछ मिल जाए। अब एक बाउल में छेना ले लीजिए। इसमें काजू, बादाम, हरी मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती डाल दीजिए। इसके बाद इसमें हम नींबू निचोड़ देंगे। जो 1 नींबू हमने लिया था उसको निचोड़ देना है। नींबू के रस से इसमें स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये हमारा कोफ्ते के अंदर भरने की सामग्री है ये जो हम तैयार कर रहे हैं। तो इस सारी सामग्री में सब चीज़ें डालने के बाद इनको अच्छे से मिला लेंगे छेने में। तो हमारे भरावन में हमारे पास काजू है, बादाम है, हरी मिर्च, धनिया, नींबू, नमक, ये सब हमने छेने में मिला लिया है और बहुत स्वादिष्ट भरावन तैयार हो गया है। अब जो हमारा केले का आटा था इसकी हम छोटे छोटे गोलियां बना लेंगे नींबू के आकार की। तो सारे जितना भी आटा है उस सब की सब गोलियां बना के हम एक तरफ एक प्लेट में रख लेंगे। बहुत मुलायम है ये आटा तो इसलिए आसानी से ये गोलियां बन जाएंगी। उसके बाद एक गोली लीजिए और उसको हथेली से दबा के थोड़ा चपटा कर लीजिए और इसमें करीब 1 छोटा चम्मच भरावन रखिए और फिर इसको सब तरफ से मोड़ते हुए बंद कर लीजिए।
बंद करने के बाद हल्का सा गोलाई में अपने हाथ के से बना लीजिए इसे, और इसी प्रकार सारे गोलियों में भरावन भर के कोफ्तों को बना लीजिए। थोड़ा चपटा करना है, उसके बाद एक छोटा चम्मच भरावन भरना है और फिर थोड़ा सा गोलाई में आकार देके उसको एक तरफ रख देना है। जब सारे कोफ्ते तैयार हो जाएं तो इस तेल गरम कर लीजिए कढ़ाई में और मध्यम आंच पर इन कोफ्तों को तल लीजिए। इन कोफ्तों को हमें सुनहरा गुलाबी होने तक तलना है। एक बार में ज़्यादा कोफ्ते ना डालें, नहीं तो कोफ्ते फट सकते हैं। सुनहरे गुलाबी जब हो जाएं तो इन कोफ्तों को निकाल लेना है। एक प्लेट ले लीजिए जिसमें आप पेपर नैपकिन बिछा लीजिए और फिर उस प्लेट में इन कोफ्तों को निकाल लीजिए। इसी प्रकार सारे कोफ्तों को तल कर पेपर नैपकिन बिछी हुई प्लेट पर निकाल लीजिए और फिर इनको एक तरफ रख दीजिए। इसके बाद हम ग्रेवी की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। एक कप दही ले लीजिए, कुटू का आटा या सिंघाड़े का आटा 3 बड़े चम्मच ले लीजिए, जीरा 1/2 छोटा चम्मच, हरी मिर्च 3-4 लंबाई में कटी हुई, बाकी आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, देसी घी या मूंगफली का तेल 2 बड़े चम्मच, धनिया पत्ती 1 बड़ा चम्मच सजाने के लिए चाहिए, सेंधा नमक 1/2 छोटा चम्मच या स्वादानुसार। अब ग्रेवी को बनाने की विधि जान लेते हैं। दही को एक बाउल में लीजिए और उसको बहुत अच्छे से फेंट लीजिए। हमें इसको बिल्कुल एकदम चिकना कर लेना है, तो इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। जब दही फिट जाएगा तब हम इसमें 3 बड़े चम्मच कूटू का आटा या सिंघाड़े का आटा, जो भी आप पसंद करें या जो आपके पास हो, उसको डालकर अच्छे से मिला लीजिए। ध्यान रहे कोई गांठ ना पड़ने पाए, तो इसको बहुत अच्छे से आपको इसमें मिला लेना है दही में। अगर आपको मधुमेह की शिकायत है और ये अपनी शुरुआती रूप में है तो कच्चा केला खाना शुरू कर दें, ये डायबिटीज़ कंट्रोल करने की अचूक औषधि है। इसके बाद 1 कप पानी डालिए और उसको भी अच्छे से इसमें मिला लीजिए। कच्चे केले से कब्ज़ की समस्या में भी राहत मिलती है और भूख को भी शांत करता है ये। एक पैन में तेल गरम करिए और उसमें जीरा डाल दीजिए और जीरे को तड़कने दें। जब जीरा तड़क जाए तब इसमें लंबाई में कटी हुई हमारी जो हरी मिर्च है उसको डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा भून लीजिए। करीब 1 मिनट तक इस हरी मिर्च को भून लीजिए, जब तक इसका कच्चापन थोड़ा कम ना हो जाए। इसके बाद आँच धीमी कर दीजिए और जो दही और आटे का मिश्रण हमने बनाया था कूटू या सिंघाड़े के आटे का, उसको इस पैन में डाल दीजिए। अच्छे से चला लीजिए इसको। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच सेंधा नमक या स्वाद अनुसार जो भी आपको जितना चाहिए डाल लीजिए और इसको अच्छे से मिला लीजिए। ज़्यादा नमक ना डालिएगा क्योंकि कोफ्तों में भी नमक है। उसके बाद इस ग्रेवी को पकने दीजिए बीच बीच में चलाते हुए, जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। सब कोफ्तों को परोसने वाले एक डोंगे में निकाल लीजिए। जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे प्लेट में, उनको एक परोसने वाले डोंगे में निकाल लीजिए और इन कोफ्तों के ऊपर खौलती हुई ग्रेवी डाल दीजिए। इससे कोफ्ते अंदर तक गर्म भी हो जाएंगे और इनके अंदर इसका स्वाद भी चला जाएगा। हमें ग्रेवी के अंदर डाल के पकाना नहीं है क्योंकि ये कोफ्ते बहुत सॉफ्ट हैं, ये टूट जाएंगे, तो बस ऊपर से हमें इसको डालना है। अब इसके ऊपर धनिया पत्ती से सजा दीजिए। यदि आप धनिया पत्ती ना खाते हो तो आप हरी मिर्च या काली मिर्च से भी सजा सकते हैं। अब इस कोफ्ता करी का आनंद आप समा पुलाव, समा खिचड़ी, राजगीरा पराठा, कूटू पूरी या सिंघाड़ी की पूरी के साथ ले सकते हैं। कच्चे केले के नियमित सेवन से पाचन क्रिया बेहतर होती है। कच्चा केला खाने से पाचक रसों का स्वातरण बेहतर तरीके से होता है।
यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्रभा की रसोई चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको नई रेसिपीज मिलती रहें। धन्यवाद।